औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा बीए ऐसे हम रीडआउट करेंगे। आज हम कौन सा ऐसे रीडआउट करेंगे? नेशनल यूनिटी यानी कि कौमी इतिहाद आज हम करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग यूनाइटेड और द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है, तैयार करना है। पहले इसकी आउटलाइन देखते हैं कौन सी है जी। नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद इज़ द बेसिक बुनियादी एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम, एक जो है वो बुनियादी जो है वो मसला है वो पाकिस्तान का। नेशनल यूनिटी इज़ डीपली रिलेटेड टू द आइडियालॉजी ऑफ आवर कंट्री। नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है टू द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिए से। वी नीड नेशनल यूनिटी, हमें ज़रूरत है कौमी इतिहाद की। बिकॉज वी आर ऑलवेज हमेशा ट्रीटेंड ऑफ वार बाई इंडियन, हमें हमेशा जो है वो इंडिया की तरफ से जंग की धमकी दी जाती है। वी कैन अचीव नेशनल यूनिटी, हम हासिल कर सकते हैं कौमी इतिहाद बाई फॉलोइंग डिफरेंट थिंग, मुख्तलिफ चीज़ों की पैरवी करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू जस्टिस, हमें इंसाफ करना चाहिए, एंड फेयर इंसाफ मुनसफाना डील लेन देन टू द डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों से। लिविंग इन द फोर प्रोविंस, जो चार सूबे में रहते हो पाकिस्तान, पाकिस्तान के कॉमन लैंग्वेज आम जबान शुड बी अडोप्टड, अख्तियार की जाए टू अचीव हासिल करने के लिए नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद। वी मस्ट अडहेयर, हमें चिमट जाना चाहिए टू अवर आइडियालॉजी, हमारे जो है वो अपने नज़रिया से। इफ़ वी वांट टू रिमेन यूनाइटेड, अगर हम रहना चाहते हैं मुतहद। नेशनल यूनिटी इज़ डीपली रिलेटेड, बहुत ज़्यादा यानी कि जुड़ी हुई है टू द आइडियालॉजी नज़रिए से कंट्री मुल्क की। वी नीड नेशनल यूनिटी, हमें ज़रूरत है कौमी इतिहाद की फॉर मैनी रीज़न, बहुत सी वजूहत की बिना पर। फर्स्ट, पहले आ नेशन कौम मस्ट बी यूनाइटेड, मुतहद होना चाहिए टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की करने के लिए इन डिफरेंट फील्ड, मुख्तलिफ जो है वो मैदानों में ऑफ लाइफ ज़िंदगी के। सेकेंडली, दूसरा वी शुड नो, हमें जाना चाहिए दैट ओवर कंट्री, हमारा मुल्क इज़ पासिंग थ्रू आ क्रिटिकल फेज, एक जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है ऑफ इट्स हिस्ट्री, अपनी जो है वो तारीख के। वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू डेंजर, हमें हमेशा खतरा रहता है फ्रॉम सच अ फॉरेन एनिमी, पक्के दुश्मन एज इंडिया से। इंडिया हैज़ ऑलरेडी पहले ही अटैक हमला किया ओवर कंट्री, हमारे जो है वो मुल्क पर ट्वाइस, दो दफ़ा। वी आर अफ्रेड ऑफ बींग अटैक अगेन, हमें दोबारा जो है वो डर है खतरे का। वी नीड नेशनल यूनिटी, हमें ज़रूरत है कौमी इतिहाद की इन ऑर्डर टू फेस द इंडियन अटैक, इंडियन के हमले से जो है वो बचने के लिए या उनका सामना करने के लिए। थर्डली, तीसरा, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, वी नीड ज़रूरत है नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद की फॉर मेकिंग प्रोग्रेस, तरक्की करने के लिए इन द सोशल, मशरती, पॉलिटिकल, सियासी एंड इकनॉमिक और मुआशी फील्ड मैदानों में। यूनाइटेड नेशन एक कौमी इतिहाद इज़ ऑलवेज हमेशा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए एंड स्टेबल, मुस्तक। इट हैज़ एन इमेज ऑफ ग्रेट पावर, ये है तसव्वुर एक जो है वो ताकत का। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की तकसीम से पहले, द मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइटेड मुतहद थे ऑन द प्लेटफार्म, एक प्लेटफार्म ने अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म की जो है लीडरशिप के जेरे साया। इफ़ द मुस्लिम, अगर मुसलमान हैड नॉट बी यूनाइटेड, अगर मुतहद ना रहे पाकिस्तान वुड हैव बीन अ नार, इफ़ द मुस्लिम हैड नॉट बीन यूनाइटेड, अगर मुतहद ना होते पाकिस्तान वुड हैव बीन अ ड्रीम, तो पाकिस्तान का बनना एक जो है वो ख्वाब ही रहता। वी कैन अचीव, हम हासिल कर सकते हैं नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद बाई फॉलोइंग डिफरेंट थिंग, मुख्य चीज़ों की पैरवी करके। फर्स्ट ऑफ आल जस्टिस, इंसाफ शुड बी डन टू एवरी बॉडी, हर एक के साथ इंसाफ करना होना चाहिए इन पाकिस्तान में। पाकिस्तान कंसेस्ट मुश्तमल है फोर प्रोविंस, चार सूबों पर है। द पीपल लोग स्पीक्स, बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, मुख्तलिफ ज़बान एंड वेयर डिफरेंट ड्रेस, मुख्तलिफ लिबास पहनते हैं। इफ़ वी डील आउट जस्टिस, अगर हम उनके साथ जो है वो मुनसफाना लेन देन करें लोगों के साथ, लिविंग इन द प्रोविंस, जो सूबे में रहते हैं, वी कैन कीप देम यूनाइटेड, हमें उनको मुतहद कर सकते हैं। जस्टिस इंसाफ भी मतलब है दैट वी शुड डील फेयरली, हमें जो है वो मुनसफाना जो है वो डील करना चाहिए विद दैम, इनके साथ इन द पोलिटिकल, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से और मशरती लिहाज से। द पीपल ऑफ ईच प्रोविंस, हर सूबे के जो लोग, शुड बी डील्ड विद जस्टिस, उनके साथ इंसाफ का जो है वो बर्ताव होना चाहिए गुड वेल, अच्छे तरीके के साथ एंड लव और प्यार के साथ। दिस विल लेड दैम टू नेशनल यूनिटी, ये जो है वो लेकर जाएगी इनको कौमी इतिहाद की जानब। कॉमन लैंग्वेज आम जबान शुड बी अडोप्ट, तैयार करनी चाहिए टू अचीव नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद के लिए। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में पीपल बिलोंगिंग तरह रखते हैं टू डिफरेंट
रेस लाई मुखली जो है वो हाथों में, देयर आर पंजाब, पंजाबीज हैं, पठान्स हैं, सिंध हैं, सिंधीज एंड बलोचिस और बलोचिस्तान वाले हैं, दे स्पीक देयर रिस्पेक्टिव मदर लैंग्वेज, दे स्पीक, वो बोलते हैं देयर रिस्पेक्टिव मदर टोंग, अपनी जो है वो मादरी जबान को, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब इन स्पीकिंग देयर मदर टोंग, उनको जो है वो नहीं जो है वो तंग करना चाहिए अपनी जो है वो मादरी जबान ना बोलने पर, दे शुड बी कन्वेस टू यूज़ वन लैंग्वेज, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब इन स्पीकिंग देयर मदर टोंग, वो जो है वो अपनी जो मादरी जबान को जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, दे शुड बी कन्वेस टू यूज़ वन लैंग्वेज, उनको जो है वो कन्वेस करना चाहिए, कायल करना चाहिए एक जबान पर फॉर द ऑफिशियल यूज़ यानी कि सरकारी लिहाज से, दिस लैंग्वेज, ये जबान कैन भी उर्दू, उर्दू होनी चाहिए, मोर एवर अलबत्ता पीपल मे बी आस्क टू वेयर वन ड्रेस, उनको कहा जाए कि वो एक लिबास पहने, एट लीस्ट इन सोशल फंक्शन, आखिर तक यानी कि मशरती जो है वो फंक्शन में एंड इन ऑफिशियल गैदरिंग और सरकारी जो है वो गैदरिंग में, दिस वननेस, ये वननेस ऑफ ड्रेस इज़ अ ग्रेट थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है, इट कैन प्रोड्यूस वननेस अमोंग, ये एक चीज़ बना सकती है डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऑफ पीपल, लोगों के, दिस आल्सो वन मोर थिंग, एक और चीज़ है विच इज़ द फर्स्ट जो पहली है एंड फॉर मोस्ट जो आखिरी है, कैसेस ऑफ नेशनल यूनिटी, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कौमी इत्तेहाद की, इट इज़ आवर फेथफुल अडहेरेंस, ये हमारा मुखलसाना मोहब्बत है टू आवर आइडियोलॉजी, अपने जो है वो नज़रिए से, दैट कैन यूनिट आवर नेशन, जिसने हमारे जो है वो कौम को मुतहद किया है, बाई फॉलोइंग इस्लाम, इस्लाम की पैरवी करके वी कैन नेवर बी डिस यूनिट, वी कैन नेवर बी दिस यूनिटेड, इस हम जो है वो नहीं हो सकते गैर मुतहद, इस्लाम गिव्स अस अ लेसन, इस्लाम हमें जो है वो एक सबक देता है ऑफ यूनिटी इत्तेहाद का, फेथ अकीदे का एंड डिसिप्लिन और नज़म व ज़ब्त का, इट्स सेस से जोर देता है दैट ऑल मुस्लिम मुसलमान आर ब्रदर, भाई हैं टू वन एन अदर, एक दूसरे के, यहाँ से आप कटिंग कर दें, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट इस्लाम इज़ द ग्रेट बाइंडिंग एंड अन फाइंग फोर्स अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है जो हम सबको जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपस में बांध सकता है, ये तो था बेटा जो है वो आज का ऐसे क्लास बीए के लिए जो मैंने आपको रीड आउट करवा दिया है नेशनल यूनिटी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।